कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। पच्चीस अगस्त 1994 में विनेश फोगाट का जन्म हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ। विनेश ने अपने करियर में कई माइलस्टोन अचीव किए। वह पहली भारत की महिला रेसलर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। 2019 में उनको लॉरियस विश्व खेल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं। इसके बाद भी उन्होंने ओलंपिक में भी एक नया इतिहास रचा। वह ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर भी बनी। उन्होंने 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में यूनेलिस गुजमैन लोपेस को चित किया। इस तरह उन्होंने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में एक और मेडल पक्का ही कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनको इस खेल से बाहर होना पड़ा। वहीं विनेश की नेटवर्थ भी कमाल की है, उनकी संपत्ति करोड़ों में है। आइए उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें 29 साल की विनेश फोगाट की नेटवर्थ माई खेल के मुताबिक 36.5 करोड़ रुपए है। रेसलिंग के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से भी उनको सैलरी मिलती है। आइए जानते हैं कि उन्हें कितनी सैलरी महीना और सालाना मिलती है। महीने की सैलरी विनेश फोगाट को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से 50,000 रुपये मिलती है, वहीं सालाना उन्हें 6,00,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट बेसलाइन वेंचर्स और कॉर्नस्टोन स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। विनेश फोगाट का हरियाणा में एक शानदार लग्जरी विला है जिसमें वो अपने परिवार के साथ में रहती हैं। इसके अलावा उनकी और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के पर्याप्त जानकारी नहीं है। विनेश फोगाट के पास कार का कलेक्शन भी कमाल का है। उनके पास 3 लग्जरी कार हैं। उनके पास एक टोयोटा फॉर्चूनर है जिसकी कीमत 35,00,000 है, एक उनके पास टोयोटा इनोवा है जिसकी कीमत 28,00,000, वहीं उनके पास मर्सिडीज GLE भी है जिसकी कीमत 1,80,00,000 रुपए है। कुश्ती के मैदान में अच्छे अच्छे सुरमाओं को धूल चटाने वाली विनेश फोगाट ने अपना नया रास्ता तय कर लिया है। वो अब राजनीतिक अखाड़े में दांव पेच करते हुए नजर आएंगी। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। उनके साथ बजरंग पुनिया ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। रेसलिंग से संन्यास के बाद विनेश अब राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही है। विनेश ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है और वो प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत भी आजमाएंगी। देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।